हैं बीजेपी को लगभग 40%, यानी कुल अगर कहें तो 38.9% वोट मिल रहा है। कांग्रेस को 38.9% वोट, दोनों को बिल्कुल बराबर वोट मिल रहा है। जेडीएस को 15.8% और बाकी अन्य को 6.4% वोट मिल रहा है। आइए जल्दी से रीजन वाइज आपके सामने पूरी पिक्चर रखते हैं, फिर जाएंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और हमारे साथ जो मेहमान है बीजेपी और कांग्रेस से उनके पास। पहले सबसे पहले सेंट्रल कर्नाटक, 35 सीटें आती हैं यहां पर। यहां पर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, 16 से 18 सीटें। कांग्रेस यहां पर 14 से 17 सीटें पा सकती है। जेडीएस यहां पर मैक्सिमम एक सीट पाएगी और अदर्स को यहां पर कुछ नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला रीजन और तटीय कर्नाटक की स्थिति भी बता देते हैं। बीजेपी को 15 से 18 सीटें, कांग्रेस को 3 से 5, जेडीएस को यहां कोई भी सीट मिलने की उम्मीद नहीं है और यही स्थिति अन्य की भी। अब आपको हैदराबाद कर्नाटक रीजन का यहां पर आंकड़ा दिखाते हैं, एग्जिट पोल क्या कहता है। हैदराबाद कर्नाटक में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 18 से 20 सीटें मिल सकती हैं, बीजेपी को 8 से 11 सीटें मिल सकती हैं, जेडीएस को मैक्सिमम एक सीट मिल सकती है, अदर्स को मैक्सिमम 2 सीटें मिल सकती हैं। और मुंबई कर्नाटक की स्थिति भी आपको बता देते हैं क्या है। यहां पर बीजेपी को 24 से 27 सीटें मिलने की संभावना है, कांग्रेस को 23 से 26, जेडीएस को यहां भी कोई सीट नहीं मिलने की संभावना दिखाई दे रही है और अन्य का खाता भी शून्य ही हो सकता है। बिल्कुल, तो मुंबई कर्नाटक का हाल हमने आपके सामने रखा। अब जब जल्दी से आपको दिखाते हैं ओल्ड मैसूर क्या कहता है। जेडीएस का गढ़ माना जाता है लेकिन यहां भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती दिख रही है। ओल्ड मैसूरू में 25 से 27 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, जेडीएस को 18 से 20 सीटें यहां मिल सकती हैं, बीजेपी को 6 से 9 सीटें मिल सकती हैं और अदर्स को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। और ग्रेटर बेंगलुरु की स्थिति भी आपको बता देते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को दिख रहा है, 15 से 17 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 13 से 15, जेडीएस के पास 2 सीटें जा सकती हैं और अन्य के खाता फिर से शून्य। आइए जल्दी से आपको अब जातिगत आंकड़े भी दिखा देते हैं। लिंगायत कम्युनिटी जो वहां पर सबसे ज्यादा मजबूत कम्युनिटी मानी जाती है इलेक्शंस के लिहाज से भी, वहां पर बीजेपी को लिंगायत के करीब 61% वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 23.6%, जेडीएस को 9.5% और अदर्स को 6% वोट लिंगायत वोटर्स के मिल सकते हैं। और वो कल की स्थिति भी आपको बता देते हैं कि किसको कितना वोट वो दे रहे हैं। बीजेपी को बताया जा रहा है 29.8% वोट उनका मिल सकता है, कांग्रेस को 25.7%, जेडीएस को 38.3% और अन्य को 6.2%। बिल्कुल, और अब आपको दिखाते हैं यहां पर एससी वोटर्स की बात करते हैं। एससी वोटर्स की बात करें तो यहां पर बीजेपी को एससी वोटर्स का 31.1% वोट मिल सकता है, कांग्रेस को सबसे ज्यादा 52.6% वोट मिल सकता है, जेडीएस को 11.5% वोट मिल सकते हैं और अदर्स को 4.6% वोट मिल सकते हैं, एग्जिट पोल ये कहता है। और ओबीसी वोटर्स की स्थिति भी आपको बता देते हैं। बीजेपी को 46.5% ओबीसी वोट मिल सकते हैं, कांग्रेस को 32.3%, जेडीएस को 15.2% और अन्य को 6% ओबीसी वोट मिल सकते हैं। अब सवर्ण हिंदुओं की बात कर लेते हैं। सवर्ण हिंदुओं को लेकर एग्जिट पोल में क्या प्रेडिक्शन है आप देख लीजिए। सवर्ण हिंदुओं को लेकर जो एग्जिट पोल कहता है वो ये कि 55.3% वोट बीजेपी के पास जाएंगे, कांग्रेस के पास 17.7% वोट जाने की संभावना है, 14.2 जेडीएस के पास जा सकते हैं और अदर्स को 12.8% वोट मिल सकते हैं। और अब मुस्लिम वोटर्स की बात भी कर लेते हैं। इसमें बीजेपी को 8.4% वोट मिल सकते हैं कर्नाटक के मुस्लिम्स के, कांग्रेस को 74.1%, जेडीएस को 11.8% और अन्य को 5.7% मुस्लिम वोट मिल सकते हैं।